हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर भाविन पटेल। मैं स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर का डायरेक्टर और आई सर्जन। आज हम जानेंगे कि एक नॉर्मल मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद एक महीने तक क्या सफर रहता है। जैसे समझो कि आज आपका सर्जरी हो गया, पट्टी करेंगे तो दूसरे दिन पट्टी खुलेगा तो अच्छा दिखेगा, लेकिन थोड़ा सूजन रहेगा आंख में और थोड़ा नंबर का वेरिएशन रहेगा। धीरे 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 ड्रॉप्स डालेंगे तो वो सूजन धीरे धीरे कम होगा और एक से दो हफ्ते पे आपका नजर पूरा खिलेगा। नंबर है उसमें अभी भी चेंजेस होते रहेंगे, तो फाइनल नंबर का चेंजेस है वो आफ्टर 3 वीक्स बंद हो जाता है। तो 3 वीक्स के बाद कभी भी, जैसे एक महीने पे, आप अपना फाइनल चश्मे का नंबर ले सकते हैं और वो जो चश्मे का नंबर आएगा उससे आपको नजर साफ दिखेगा। किसी को 6-6 लाइन तक दिखता है, किसी को उसके एक लाइन कम, किसी को उससे एक लाइन ज्यादा, जो नेचुरल भगवान ने हमको दृष्टि दिया है उसके अनुसार। तो फाइनल चश्मे से जो नंबर आया फिर वो आपको लाइफ टाइम रहता है, और ज्यादातर पेशेंट में ये जो चश्मे का नंबर आता है वो चेंज नहीं होता है। जो ड्रॉप्स आपको दिए गए वो 1 से 1.5 महीने तक आपको डालने चाहिए ताकि आपकी आंख में सूजन है वो वापिस ना आए। अगर 1.5 महीने पे या 1 महीने पे ड्रॉप्स बंद करने पे सूजन वापिस आता है तो आप डॉक्टर से जाके सलाह करके वो वापिस चालू कर सकते हैं। तो ये रहता है नॉर्मल कोर्स आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है ना। तो इसको इसको आपकी जानकारी में होना जरूरी है। इससे कुछ भी आगे पीछे हो तो आप डॉक्टर के पास जाके चेक करवा सकते हैं। ऐसा हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आज पट्टी खुला और दूसरे दिन सब टोटली नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि नंबर में चेंजेस इनिशियली आता रहेगा। दूसरा, आंख में सूजन रहेगा तो उसके लिए ड्रॉप्स डालना बहुत ही जरूरी है, उसको अवॉइड ना करें भले ही आपको अच्छा दिख रहा हो। जिन लोगों को ऐसा लेंस डाला गया है कि मल्टीफोकल लेंस, जिसमें दूर नजदीक सब नंबर है वो नहीं रहते हैं, या तो चश्मे का डिपेंडेंसी कम रहता है, उन लोगों को भी नॉर्मल नजर को रिकवरी होने में 3 हफ्ते तक लगेगा। तो उतने टाइम तक हमको धीरज रखना है और ड्रॉप्स डालते रहना है। जैसे ड्रॉप्स बंद हो गए, सूजन जाएगा, आंख में लेंस सेटल हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने पे जो परिस्थिति रहेगा वो फिर लाइफ टाइम मेंटेन रहेगा। थैंक यू।